हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ, बिहारी ठेकुआ, गुड़ के बिहारी ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप लोग जानते हैं छठ पूजा में बनता है ये। आज मेरे मन के एक लवाज ठेकुआ बनाते गुड़ का, पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं भी। देखिए चलते बनाते हैं। देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये एक कटोरी, बड़े कटोरे आटा लिया है मैंने ये, और इसमें आधी कटोरी सूजी मिलाएंगे। इसमें सूजी मिला दिया, सूजी में थोड़ी, और देखिए तिल है, तिल बहुत ज़्यादा गंदा था इसलिए मैंने इसको हल्का धुल लिया था। ये तिल डाल दिया ऐसे मैंने, ये देखिए गुड़ के ठेकुआ। बिहार में बहुत लोग छठ पूजा में बहुत बनता है ठेकुआ गुड़ का, बहुत खाने में बड़ा कुरकुरा, बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। मैंने कल आवाज ही बनाया है। और देखिए क्या डाला मैंने, ये करी का बुरादा, ये करी को कद्दूकस में किस लिया था, ये इलायची डाला मैंने, 2 चम्मच इलायची है और 1 चम्मच सौंफ डाला मैंने, इसमें मिक्स कर लिया ये देखिए। इसके बाद क्या डालेंगे, घी, ये घी इस तरह डालिए कि मतलब एकदम हाथों से बंध जाए, देखिए ऐसे, ये देखिए ये बिल्कुल लट्टू से बन जाए। इसको खूब ऐसे मैश करें हाथ से, खूब ऐसे करके। आप घी ना हो तो ऑयल भी कोई डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी डाला है। ये देखिए सब कुछ डालने के बाद अब ये देखिए इसमें घी डाल के, ये जब तक ऐसे लड्डू टाइप ना बन जाए ना, जब ऐसे नहीं बनेगा तो बिल्कुल कुरकुरे करारे नहीं बनेंगे ना। इसे देखिए लड्डू बनने लगे ना इसमें ऐसे, ये देखिए थोड़ा घी और डाल दे रही हूँ। अब ये इतना घोल के ठीक हुआ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे खाने में। ये देखिए ये ऐसे, हाँ जब तक ये लड्डू ना बन जाए ना, समझ लीजिए कि फिर वो खुशखुशपन नहीं आएगा ना, खुशखुशापन नहीं रहेगा ठेकुए में। ये देखिए ऐसे लड्डू ऐसे बनने लगा ना हाथ से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने गुड़ को भिगो दिया था 2 घंटे पहले, अब इसको हम क्या करेंगे कि छान लेते हैं। इतना गुड़ डालिए कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ना गीला हो ना बहुत ज़्यादा, ये देखिए नीचे गंदगी रहती है ना, इसलिए इसको छानना जरूरी होता है। ये देखिए लगता है गीला हो क्या यार, गूंद लिया इसको। इसको मैं खूब अच्छे से हाथ से जब तक गुदाई करिए तब तक एकदम मुलायम हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए हो गई ना इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको गूंद लिया ना, उसको गैस को ज्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम आंच रहे ना, बहुत तेज हो ना बहुत
कम जिससे ज्यादा ज्यादा तेज कर देंगे तो जल जाएंगे ठेकुए, और अगर धीमा कर देंगे तो ढंग से पकेंगे नहीं। इसलिए देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे, तो एक कई शेप में आपको बना के बताती हूँ। देखिए एक तो ऐसे बनता है चिपका वाला, ये देखिए कैसा बनता है। एक ऐसे लंबा लंबा कई डिजाइन बनते हैं। ये सारे ऐसे बना के रख लिया, गैस कम फ्लेम में कर दिया जिससे कि दर्द की होता रहे। देखिए चिपका के ऐसे बना लिया, थोड़े फट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ना ये ऐसे बनते ही हैं। थोड़ा जब तक इसमें देखिए मैं डिजाइन आपको दिखाती हूँ बनाकर। पता है डिजाइन कैसे बनेगी इसकी? देखिए एक तो आप चम्मच से बना सकते हैं, तो देखिए ये लंबे वाले ऐसे रख लिया, ये देखिए एक तो चम्मच से देखिए ऐसे, ये ऐसे आकार के बन रहे हैं। ये देखिए ये 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 ऐसे के सारे में डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए ठीक हुआ, किसको किसको पसंद है बताइएगा, मुझको शेयर करिएगा मेरे साथ और बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, बहुत ही करारे कुरकुरे बढ़िया। अभी मैं ये देखिए बन गए ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब फॉग, ये फॉग ले लिया एक, तो फॉग से ऐसे करके ऐसे ये तेल दबाएंगे जिससे कि ये अच्छे से इसमें डिजाइन उभर के आ जाए। ये देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे, अरे एक डिजाइन में बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए चक्कू ले लिए, चक्कू हो या कोई स्पिन हो, ऐसे करके ऐसे 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 डिजाइन ऐसे, ये देखिए बन रही डिजाइन। चलते हैं गैस की ओर,
देखिए भाई, ये देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बनाई है मैंने। अब चलते हैं इसको तलने, हल्का सा डाल के देख ले कि पका है कि नहीं है, मतलब तेल हो चुका भी नहीं। क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, ये पीछे ना इतना ये लोग आवाज करते, कोई भी चीज ढंग से ना बनाने नहीं मिलते, इतनी आवाज आती है। मैं क्या कर, जब सुबह हो तो फैक्ट्री खुली हुई ना, इधर ट्रैक्टर ट्रैक्टर इतना इतनी तेज ये लोग आवाज करते हैं कि बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या बताऊँ, इतना डिस्टर्बेंस होता है कि क्या बताऊँ। हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं, ये देखिए डाल दिया इसमें। अब ये धीमी, इनको ना बहुत तेज करना है ना बहुत धीमा, आप लोग भी जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता खाने में, बड़ा टेस्टी सा, थोड़ा खुशखुशापन रहता है इसमें। देखिए ठेक पर बढ़िया पका है, तक कराए कराए नहीं पक जाएंगे, उनको जल्दी पलटना नहीं जब तक ये हो नहीं जाएंगे एकदम लाल लाल कुरकुरे कुरकुरे। अब इनको मैं पलट दूंगी ऐसे, अब ये हो चुके हैं देखिए लाल हो चुके हैं। तो धीमी क्योंकि ना अंदर तक नहीं पकेंगे तो फिर ये अंदर कच्चे रह जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा धीमा कर दिया इसको। देखिए कितना आवाज कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई। ये बन गए बिहारी ठेकुए, इनको क्या बोलते हैं बिहार में लोग बहुत रहते हैं ना, छठ मैया का जो होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या था ये रेसिपी मेरी पसंद आया तो जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिए, लाइक करिएगा, अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, आप जरूर ट्राई करिएगा। बनता चीनी का भी है कि मैंने गुड़ का बनाया, गुड़ का देखिए जल में इतना नुकसान भी नहीं करता है। देखिए बनके तैयार हो गए,
निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। ऐसे मैं सारे बना लूंगी। बन के ठेकवे तैयार हो गए। ये देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। मैं भी गर्म बहुत इसमें काट दिखा रही हूँ आपको, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बन गई है। ये देखिए ये कितने, ये देखिए कितने बढ़िया बने, टेस्टी टेस्टी बढ़िया कुरकुरे। और देख पसंद आए आपको रेसिपी तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को, और आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। ये बन गए बिहारी ठेके हुए गुड़ के। चलिए मिलते हैं और फ्रेंड्स ब्लॉग में। बाय बाय।